सर, मैंने ये काम पूरा कर लिया है। अब जरा अशोक को भेजो। सर, अशोक तो अभी तक ऑफिस में आए नहीं। 12 बज रहा है, अभी तक आया नहीं। जैसी वालों से फौरन यहां भेजो। ओके सर। अरे अशोक, फोन कब आया? अभी एक मिनट हुआ। अच्छा ये बता पहले, मेरा एकोमोडेशन का क्या हुआ? तुमने अपने पड़ोसी कृष्णकांत जी से बात की? अरे वो बात तो मैंने कर ली है, आज शाम तुम मेरे साथ चलना। ठीक, फिलहाल तुम अंदर जाओ, लगता है साहब तुमसे बहुत नाराज है। नाराज है? अभी उनका वो ठीक कर लेते। एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग सर। ये वक्त तुम्हारे ऑफिस आने का? सर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो घर से सीधा ऑफिस ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मेरे उस फिल्म के पोस्टर पे नजर पड़ गई जिसमें आपकी बीवी का फेवरेट हीरो काम कर रहा है। बस बस से उतर कर सीधा टिकट की क्यू में खड़ा हो गया और बड़ी मुश्किल से आपके लिए सिर्फ 2 टिकट लाया हूं सर। थैंक यू अशोक। मेरी बीवी जब ये टिकट देखेगी तो कितनी खुश होगी। बाय द वे, कितने पैसे हुए इसके? शर्मिंदा कर रहे हैं आप सर, क्या आप पर मेरा इतना भी अधिकार नहीं? अच्छा ये बताइए सर, आपने मुझे किस लिए बुलाया था? अरे हाँ, वो स्टेटमेंट्स तैयार हो गए? हो गए सर, हो गए। थोड़े कुछ बाकी है, मैं अभी रेडी कर देता हूँ। क्या हुआ अशोक? कुछ नहीं सर, लाइन में खड़े खड़े मोच आ गई, इसलिए कुछ दर्द सा हो रहा है। ये कमर का दर्द अच्छा नहीं होता, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। नहीं सर, इन सब चीजों से पहले मुझे अपने काम का ख्याल रखना है। चलता हूँ। कितना अच्छा लड़ता है, कितनी मेहनत करता है। नो प्रॉब्लम यार। डांट पड़ी क्या? अरे चंपक, ऑफिस में डांट सिर्फ बेवकूफों को ही पड़ती है। बात यह है कि मैं अपने और अपने दोस्त के लिए पिक्चर की 2 टिकटें लेकर आया था। अंदर के हालात देखते हुए पिक्चर की दोनों टिकटें बॉस के हाथ में थमा दी। टिकटें तो गई मगर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। चंपू शारदा। हाँ शारदा, क्या है? देखो आज दिन की शुरुआत कैसे हुई। सुबह सुबह मेरा चश्मा टूट गया है। कितनी बार मैंने कहा कि 2 चश्मे रखिए, पर आपने मेरी कभी सुनी भी? आप बताइए, चश्मे के बिना क्या करोगे? चश्मे के बिना क्या करूंगा? भाई तुम्हारे हाथ की बनाई हुई चाय पीऊंगा, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ नाश्ता खाऊंगा, लेकिन तुम्हारा ये हंसता हुआ चेहरा ठीक से नहीं देख पाऊंगा। आप भी आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे मुझे तो चाय पिला दोगे, लेकिन वो अशोक को चाय दिए कि नहीं? अरे अभी कहा, वो इतने सवेरे कभी उठा भी है। प्रोफेसर साहब गुड मॉर्निंग। अरे आइए चंपकलाल जी, आइए बैठिए। ये अशोक अभी तक तैयार नहीं हुआ? भाई मैंने तो देखा नहीं, आप खुद ही देख लो ना। अशोक, अशोक गुड मॉर्निंग। अरे यार चंपक, हर रोज इतने सुबह आकर तुम मेरी नींद क्यों खराब करते हो? सुबह? अरे 2 बज चुके हैं, ऑफिस भी चलना है क्या? चलना है यार, तुम जाओ बाद में मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पीछे पीछे। जाओ, तुम्हारी मर्जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ बेटे, बेटे चंपक लाल जी ने ठीक ही कहा, लेट होना अच्छा नहीं होता। कोई बात नहीं सर, मेरे और मैनेजर के संबंध बहुत अच्छे हैं, एकदम परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। मालिक, ये आपकी ब्रेकफास्ट की टी। अशोक बाबू, ये आपकी बैड टी। थैंक यू सोमनाथ। वेलकम, इट इज माय सिस्टम। मालकिन, आपने अशोक बाबू से किराया एडवांस में लिया?
क्यों, क्या बात है? मेरा सिस्टम कहता है कि ये रोज ऑफिस में लेट जाते हैं, एक न एक दिन जरूर नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, फिर किराया कहाँ से देंगे? सोमनाथ तुम बहुत बोलते हो। मैं कहाँ बोलता हूँ, मेरा सिस्टम बोलता है। बहुत गर्म हो गया। सर आपने आज का पेपर पढ़ा? इसमें बढ़ते हुए क्राइम पर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। लिखा है कि बुराई सबसे पहले आदमी के अंदर खत्म होनी चाहिए, फिर सोसाइटी में खत्म होगी। ये देखिए। नहीं बेटे, आज मैं पेपर नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा चश्मा टूट गया है। अरे अंकल तो मुझे दीजिए ना, मैं बनवा लाऊंगा। अरे नहीं, मैं खुद ही बनवा लूंगा। तो फिर देर हो रही है, तुम ऑफिस जाओ। अशोक आज तुम फिर लेट आए। सर मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अपने इस नाजिस सेवक की तरफ से छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। हाउ स्वीट ऑफ यू। अशोक तुम्हें मेरा जन्मदिन याद रहा? अरे याद कैसे नहीं रहता सर, जन्मदिन पूरे साल में एक ही बार तो आता है। और फिर ये तो मेरी तरफ से आपके लिए मेरा प्यार आदर और सम्मान है। हाउ लवली। बैठो बैठो। थैंक यू सर, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। सर ये देखो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। ये देखो, ठीक है? ये नहीं, एकदम परफेक्ट है सर। आप जैसा तजुर्बेकार ही ऐसा परफेक्ट ड्राफ्टिंग कर सकता है, इससे बढ़िया ड्राफ्टिंग हो ही नहीं सकती। सर यही तो वजह है कि आप आज इस पोजीशन पर हैं। अच्छा सर, अरे तुम्हारा दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं सर, वो डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। अरे तू फिर आराम क्यों नहीं करते? सर वो स्टेटमेंट्स। अरे ऑफिस का सारा काम करने के लिए तुम ही रह गए हो, बाकी के लोग क्या करते हैं? वो कैलाशनाथ क्या करता है? हेलो कैलाशनाथ को अंदर भेजिए। यस सर। ऑफिस का सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, आखिर तुम दिन भर करते क्या? लेकिन सर मेरा कौन सा काम पेंडिंग है? वो स्टेटमेंट अभी तक तैयार नहीं है। लेकिन सर वो काम तो अशोक का है। अशोक? अगर सारा काम अशोक ही करेगा तो आपको बैठे नहीं रखा। लेकिन सर मेरे पास और भी बहुत सारे काम नहीं चाहता। चलिए जाके चेक में तैयार करिए। हेलो अरे अभी तक सो रहे? सुनिए सुनिए ना सुनिए, 8 बज गए, ऑफिस नहीं जाना आपको। 8 बजे? अरे जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे आज तो मेरा बॉस मेरी छुट्टी कर ही देगा। अरे चंपकलाल आज तू लेट कैसे हो गया? आज तो तेरी नौकरी जाएगी ही जाएगी। अरे अगर अशोक की नौकरी आज तक नहीं गई तो चंपकलाल तुम्हारी नौकरी कैसे जाएगी? फिक्र करने की क्या बात है। चंपा डार्लिंग। अरे ये कहां चले गए? गुलाबी आंखें। अरे जो तेरी देखे शराबी ये दिन हो गया। संभालो संभालो मुझको और मेरी चंपा, संभलना मुश्किल हो गया। बस बस बाकी रोमांस ऑफिस के बाद, वरना तुम्हारा बॉस तुम्हारे प्यार का सारा दशा उतार दे। चंपा डालेंगे, अभी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब चंपकलाल समझ गया है कि अपने बॉस के नाराज मूड को कैसे ठीक करना है। आज से इस्तेमाल होगा फोन वाला नंबर अशोक। गुड मॉर्निंग सर। ये टाइम में ऑफिस आने का, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। यू आर 2 आवर्स लेट। सर दरअसल बात ये है कि मुझे अपनी मौसी को अचानक लेने स्टेशन जाना पड़ा, इसलिए थोड़ी देर हो गई। सर मेरी मौसी एक खास किस्म का आचार लाई है और मैं आपके लिए भी ला हूं। सर ये ऑफिस टेबल है, कोई डाइनिंग टेबल नहीं। उठा दे आइंदा से, पर तुम लेट आए मैं तुम्हें नौकरी से निकालूंगा। गेट आउट ऑफ हियर। ओके सर। बेवकूफ कहीं का, ये भी नहीं जानता कि मुझे अचार से सख्त नफरत है। निशाना ठीक लगा? अरे नहीं, मैं तो अपने ही तीर का खुद शिकार हो गया हूं। पता नहीं तुम ये सब कैसे कर लेते हो। अरे चंपक तुम इस खेल में बच्चे हो बच्चे,
तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। इस खेल में सबसे पहले जरूरत होती है ट्यूनिंग की, सामने वाले को समझने की, जो तुम नहीं कर सकते सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। ओके बाय बाय, तुम जा रहे हो और 4:30 बजे वापस आऊंगा, तब तक तुम ऑफिस में काम करो। बाय बाय चंपू। इसकी कमाल है, 5 बजे ऑफिस बंद होता है और 4:30 बजे में वापस आएगा, मुझे कहता है काम करो। ऑफिस में इतनी खामोशी क्यों? अरे बड़े साहब नरेंद्र कौशल आए हुए। माय गॉड सर, ऐसा मत कीजिए, आई बेग ऑफ यू। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, तुम्हारी वजह से एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते हो? मुझसे गलती हो गई जी। ये गलती नहीं, लापरवाही है। अगर तुम्हारा ये हाल है तो तुम सबॉर्डिनेट से कैसे काम लेते होगे? डिसिप्लिन ऊपर से शुरू होता है मिस्टर, सारे स्टाफ के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं तुम्हें आज अभी और इसी वक्त बर्खास्त करता हूं। यू आर फायर्ड। आपको बड़े साहब बनना है? मुझे क्या, मे आई कम इन सर? कम इन सर। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आपके लिए कुछ चाय वगैरह मंगवा दूं? शट अप मिस्टर अशोक, इस ऑफिस में आपको किस चीज के पैसे मिलते हैं? सर मेरे मेरे काम करने के। तो काम कहां सर? हाँ हाँ बोलो सर। वो हाँ हाँ चुप क्यों हो गए, बोलो सर। वो तुम्हारा सारा काम इनकम्प्लीट पड़ा हुआ मिस्टर अशोक। यहां तुम्हारी ड्यूटी बॉस की खुशामद करना नहीं बल्कि काम करना। सर आइंदा से ऐसे कोई गलती नहीं करूंगा। अगर 7 दिन में तुमने अपना पेंडिंग काम पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा मिस्टर अशोक। तुम जा सकते हो। अशोक अशोक क्या होने वाला है? क्या तुम भी अपने दिल के निशाने खुद ही बन गए? अरे चंपक, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा अगर ये नौकरी मेरे हाथ से नहीं निकल गई तो। भगवान का शुक्र है कि मैं तुम्हारे उसूलों पे नहीं चला, वरना मेरी भी नौकरी चली जाती। सर कैलाश जी ने जो फाइलें दी है, इतनी सारी फाइलें? अशोक बाबू, एक फाइल 1 महीने के लिए और 1 साल के लिए 12 फाइलें। अगर हर रोज काम करो तो काम इतना, और अगर साल में 1 बार काम करो तो काम इतना। अशोक क्या बात है, इतनी देर तक कहां थे? बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ खाया या नहीं? अरे आंटी खाने का वक्त ही कहां है, मेरे ऑफिस में पेंडिंग काम का इतना बोझ है, मुझे उसे रात दिन में पूरा करना ही है। बेटे काम को कभी बोझ मत समझो, कुदरत का आशीर्वाद समझो। ये तो तपस्या है बेटे, इस उम्र में जितनी तपस्या करोगे बड़ी उम्र में उतना ही फल पाओगे। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, काश ये मैंने पहले महसूस किया होता।
पूरा नहीं हुआ मिस्टर अशोक? यस सर, कुछ काम बाकी है लेकिन मैं उसे जल्दी ही पूरा कर दूंगा। सिर्फ थोड़े दिन की मोहलत और चाहिए। सॉरी। देखो अशोक, तुम अभी जवान हो और पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, इसलिए मैं तुम्हें डिसमिस नहीं करना चाहता। बेहतर होगा कि तुम खुद ही अपना इस्तीफा दे दो। यू कैन गो नाउ। सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने सचमुच अपना काम पूरा करने की कोशिश की। आई रियली ट्राइड सर। अशोक, सोमनाथ ने मुझे बताया कि तुम कल सुबह जा रहे? जी हाँ सर, मेरी नौकरी चली गई और अब इतनी जल्दी मुझे कोई नौकरी देगा भी नहीं। लेकिन बेटे, ये सब हुआ कैसे? सब मेरा ही कसूर है अंकल। लोगों को बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है और मैंने अपनी गलतियों से अपनी नौकरी गंवा दी। प्रोफेसर साहब, अशोक के सोचने का ढंग गलत था। वो समझता था सिर्फ खुशामद से काम चलाया जा सकता है, इसलिए उसका सारा काम पेंडिंग रहा। लेकिन जब बड़े साहब नरेंद्र कौशल साहब आए। क्या कहा? नरेंद्र कौशल? वो सांवले रंग का लंबा सा? जी हाँ, आप उन्हें जानते हैं? लेकिन अब मिले हुए बहुत अरसा हो गया, पता नहीं पहचानेगा भी कि नहीं। नरेंद्र सर, आओ। जीते रहो बेटे, जीते रहो। सर आइए, यहां बैठिए सर। बेटे वो तो तुम्हारी कुर्सी है। सर इस कुर्सी में बैठने लायक तो मुझे आप ही ने बनाया। अरे नहीं बेटे, ये तो तुम्हारी अपनी काबिलियत है। बैठो बैठो, आप बैठिए सर। और कहीं सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? नरेंद्र बेटे, मैं दरअसल एक रिक्वेस्ट लेके आया था। रिक्वेस्ट? सर आप हुक्म कीजिए। ये है मेरी पत्नी शारदा। नमस्ते। जी तेरा। शारदा, ये है नरेंद्र, मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट। अशोक इन्हीं के यहाँ काम करते हैं। अच्छा। सर, सर आप? हाँ अशोक, याद है तुमने कल कहा था कि तुमने अपनी तरफ से काम पूरा करने की पूरी कोशिश की? जी जी हाँ सर। तो जो आदमी मेहनत करना चाहता हो उसे एक मौका और नहीं मिलना चाहिए? सर, अगर आप मुझे एक चांस और देंगे तो मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ये तुम नहीं, तुम्हारा काम बोलेगा। थैंक यू सर। थैंक्स मुझे नहीं, कृष्णकांत जी को दो। Thank you.